मैं आपको बता दूं, ये जो 30 डेज फैट लॉस चैलेंज है ना, बहुत इजी होगा फॉलो करना, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूं, तो मुझे खुद इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम जो है खाना बनाने को दूं। तो इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज में बहुत सिंपल सिंपल रेसिपीज हम बनाएंगे, जो इजिली बन जाए, बहुत जल्दी बन जाए, और जिन्हें कोई भी विद इन नो टाइम जो है कुक कर ले। आप लोगों से पूछा है कि आपको क्या देखना है, 7 डे डाइट प्लान इन वन वीडियो या फिर 30 डेज फैट लॉस चैलेंज फॉलो करें। सो बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि आप स्टार्ट कीजिए 30 डेज फैट लॉस चैलेंज, जिसे हम भी ज्वाइन करेंगे डेडिकेटली। सो मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज ये है कि जी हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 डेज फैट लॉस चैलेंज, और ये है day 0। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है रूल 30 डेज फैट लॉस चैलेंज के, जो फॉलो करने हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कौन इसको फॉलो कर सकता है, कौन इसको फॉलो नहीं कर सकता है, और क्या इसका ओवरव्यू है, मतलब इसमें क्या होने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है 30 डेज फैट लॉस चैलेंज लेने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो स्टे कनेक्टेड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होगी कि अब तो आपने वेट लूज कर लिया है, तो क्यों आप 30 डेज फैट लॉस चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो। सो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंची हूँ। लास्ट मंथ ही मैंने अपनी डाइट छोड़ दी थी, मैंने 20 kg लूज किया था, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। उसके बाद मैंने अपनी डाइट छोड़ दी थी और मैंने खूब इंजॉय किया, खूब खाया बाहर का, क्योंकि घर में थे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन, शादियां और पार्टीज, सो मैंने खूब इंजॉय किया, और इंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि ये मौके बहुत कम आते हैं। तो मैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंची हूँ, और एक महीने में सब कुछ खाने के बाद ना आई गेन 2 to 3 kg, विच इज टोटली नॉर्मल। जब हम एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना, और जब उनको छोड़ते हैं, तो पूरा का पूरा वेट जो है वापिस आ जाता है। इस डाइट प्लान की यही खास बात होगी कि एक बार इसको छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा वापिस आने वाला नहीं है आपका खोया हुआ वेट। सो आप देख सकते हैं, आफ्टर 1 month इतना कुछ खाने के बाद भी आई जस्ट गेन बैक 2 to 3 kg, जो कि टोटली नॉर्मल है। तो सबसे पहले इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज में जो हम डेली कैलोरीज खाएंगे, वो रहने वाली है 1100 से 1200 कैलोरीज के बीच में, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए सेफ है टू कंज्यूम, और मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए इजी है फॉलो करना, क्योंकि जनरली जनरल स्टडीज में देखा गया है कि नॉर्मल जो मेंटेनेंस कैलोरी है ना, सभी एजेस को इंक्लूड करके, वो रहती है 1600 to 2400 के बीच में। तो जब भी हमें वेट लूज करना होता है, तो हमें कैलोरी डेफिसिट में ही जाना होता है, 500 to 600 कैलोरीज डेफिसिट में हम जा सकते हैं सेफली। तो इसलिए 1200 कैलोरीज जो है वो परफेक्ट है सभी लोगों के लिए जो वेट लूज करना चाह रहे हैं और कैलोरी डेफिसिट में जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये डाइट प्लान होगा 1100 से 1200 कैलोरी के बीच का। दूसरा पॉइंट, ये जो डाइट प्लान रहेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा डेली 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो नेचुरल फूड से हम ले रहे हैं। इस वाले फैट लॉस चैलेंज में मैं कोई भी जो बाहर का प्रोटीन पाउडर है वो यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो घर का खाना हम बनाएंगे उसी से हम कंप्लीट करेंगे अपना 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, जो कि बहुत सही और बहुत अच्छी अमाउंट है प्रोटीन की। लोगों के डाइट में प्रोटीन 20 से 30 ग्राम भी नहीं होता जब वो अपनी वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं, हमारी डाइट में मिनिमम 50 ग्राम और मोर देन 60 ग्राम होने वाला है। थर्ड पॉइंट, ये जो फैट लॉस चैलेंज है, इसमें हम एक ईटिंग विंडो फॉलो करेंगे, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से जोड़ सकते हैं। इसमें हम 16 घंटे का उपवास करेंगे हर दिन, और 8 घंटे ही खाएंगे, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। बस ये नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो मॉडर्न जमाने में दिया गया है, वैसे ये रूल जो है वो काफी सालों से फॉलो हो रहा है। सनसेट के टाइम या सनसेट होने से ही पहले जो है वो पहले एक डिनर कर लिया जाता था, और ब्रेकफास्ट सूर्य उदय होने के बाद किया जाता था, जिसमें 12 से 13 घंटे की फास्टिंग हो जाती थी। तो इसी को मॉडिफाई करके अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे बेस्ट माना गया है 16:8 की रेशो, जिसमें 8 घंटे हम खाना खाएंगे और 16 घंटे हम खाना नहीं खाएंगे। सो ये 8 घंटे और 16 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें रहेंगे जो मैंने फॉलो करने हैं और मैंने फिक्स कर लिए हैं अपने लिए, वो है सुबह के 10:30 बजे मेरा
पहला मील स्टार्ट होगा और लास्ट मील मेरा होगा 6:30। सो मैंने अपनी विंडो सेट कर ली है 10:30 AM इन द मॉर्निंग एंड 6:30 PM इन द इवनिंग। सो आप में से बहुत सारे लोग ये विंडो फॉलो कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। मोस्टली हो सके तो नाइट टाइम में अवॉइड कीजिए, क्योंकि नाइट टाइम में एक तो हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, वो भी एक्टिव नहीं होते, तो इसलिए फूड को डाइजेस्ट करना नाइट में डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम जो हमारा नेचुरल सर्काडियन है ना उसी के साथ चले। बाकी आपकी मर्जी है, आप 10 से 6 भी कर सकते हो, 11 बजे से 7 बजे तक भी कर सकते हो, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप अपनी विंडो डिसाइड करके कमेंट करेंगे कि ये हमारी विंडो है, ईटिंग विंडो। ओके, फोर्थ जो इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज में हम फॉलो करने वाले हैं वो है दो एक्टिविटी जो हमें मस्ट फॉलो करनी है, क्योंकि हमें हेल्दी बनना है, हेल्दी दिखना भी है वेट लॉस फैट लॉस के साथ साथ, इसलिए दो एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। ये उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है और वेट लूज नहीं होता है इजली। क्या करना है वो दो एक्टिविटीज क्या होंगी, एक तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जो हम घर पे ही करेंगे, कोई सी भी एक्सरसाइज करो, उससे मैं ज्यादा उसमें ज्यादा इंटरवीन नहीं करूंगी, जो आपको पसंद है वो करो। और 30 मिनट्स की हमें वॉक करनी है तो उसको आप कैसे भी कर सकते हो, आप स्पेसिफिकली शाम को जाके कर सकते हो या मेरी तरह ड्यूटी जाते समय थोड़ा सा पैदल चलना वापस पैदल आना ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो हम फॉलो करेंगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज वो है हमें नियरली 2.5 to 3 liter वाटर पीना ही है पर डे। देखो ऑलरेडी समर का टाइम आने वाला है और शरीर से ज्यादा पसीना जो है निकलता है, तो शरीर से पानी जो है वो ज्यादा इवेपोरेट होता है और हमें पता नहीं चलता, इसलिए आपको 2.5 liter से लेके 3 liter तो मिनिमम पीना है। आप उससे ज्यादा जा सकते हो लेकिन से कम नहीं जाना है, क्योंकि रिसर्चेस में ये प्रूवन है और ये देखा गया है कि वुमेन को नियरली 2200 तो पीना है मिनिमम और मेन को 3 liter मिनिमम। तो सेफर साइड के लिए 2.5 liter मैंने डिसाइड किया है फॉर द लेडीज, और मेन दोनों के लिए मिनिमम 2.5 liter और 3 liter हो जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फैट लॉस चैलेंज के दौरान, इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज के दौरान आपको हर दिन 5 बजे शाम को वीडियो मिलेगी। और ये टाइम मैंने क्यों डिसाइड किया है, ताकि वीडियो को देखकर जो भी इसमें चीजें चाहिए, सामान चाहिए, आप पिछले दिन ही अरेंज कर लें अगले दिन फॉलो करने के लिए। इसलिए 5 PM मैंने सेट किया है आपके लिए और नेक्स्ट डे अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो करें। नंबर वन, ये 30 डेज फैट लॉस चैलेंज का नाम ही मैंने इसी बेस पे रखा है क्योंकि आपका इसमें होने वाला है फैट लॉस, मतलब वेट लॉस। सेकंड, जो बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डाइट प्लान, ये 30 डेज फैट लॉस चैलेंज आपको हेल्दी बनाएगा, आपको ज्यादा फिट रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। यही नहीं, ये 30 डेज फैट लॉस चैलेंज फॉलो करके 1 महीने बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी, आपका लीवर हैप्पी हो जाएगा। यही नहीं, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगेगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। सो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज को फॉलो करके। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ये 30 डेज फैट लॉस चैलेंज तो आप मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं अपने गोल्स को लेके, अपने एम को लेके, अपने टारगेट को लेके बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं। और जितने ज्यादा कोई डिसिप्लिन होता है उतना ही ज्यादा वो लाइफ में सक्सेस होता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन है वो लोग जो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। इस डाइट प्लान को कोई भी फॉलो कर सकता है जो कि फिट रहना चाहता है, वेट लूज करना चाहता है, हेल्दी दिखना चाहता है, बीमारियों से दूर रहना चाहता है, अपने मोटापे को कम करना चाहता है, यंग दिखना चाहता है, हेल्दी दिखना चाहता है। इसके साथ साथ इसको कौन फॉलो कर सकते हैं, देखो इसको पोस्टपार्टम वुमेन फॉलो कर सकती है, मतलब वो लेडीज डिलीवरी के बाद जिन्होंने अभी ब्रेस्ट फीडिंग जो है लगभग स्टॉप कर दी है। मैं बिल्कुल भी इस वीडियो इस चैलेंज को उन लेडीज को लेने को नहीं बोलूंगी जो भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनका बच्चा छोटा है नहीं, क्योंकि लैक्टेशन के टाइम हमें ज्यादा कैलोरीज खाने की जरूरत होती है। और अगर आप ऐसे 1200 कैलोरीज वाला डाइट प्लान फॉलो करेंगी तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे के लिए मदर मिल्क इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो आप अगर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, आपका बच्चा छोटा है, 8 महीने से छोटा है अभी, तो आप बिल्कुल भी ये चैलेंज नहीं लेंगी।
लेकिन वो पोस्टपार्टम लेडीज जो जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दिया है, जिनका बच्चे ने खाना शुरू कर दिया और अब उनका नेक्स्ट टारगेट है वेट लूज करना, वो डेफिनेटली फॉलो कर सकती है इस फैट लॉस चैलेंज को। दूसरा, जिन लेडीज को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं, वो भी इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकती हैं। उनके हार्मोन्स बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और उनका वेट भी रिड्यूस होगा, उनको बहुत मदद मिलेगी। तीसरा, जो थायराइड के पेशेंट है उनके लिए भी एक काफी अच्छा डाइट प्लान है, तो वो भी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। थायराइड के पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए, जिनका मेटाबॉलिज्म पुअर रहता है और जो वेट गेन करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज वाले पेशेंट जो ओबीस हो चुके हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनकी विंडो जो है वो थोड़ी कम कर ले, क्योंकि 16/8 विंडो उनके लिए थोड़ी हार्ड होगी, क्योंकि 16 आवर्स की फास्टिंग उनके लिए ज्यादा हो सकती है, तो वो 12-12 करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकता। वैसे तो मैंने आपको बताया जनरली ये डाइट प्लान सभी लोगों के लिए सेफ रहने वाला है, लेकिन फिर भी जिनको स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस हैं, उनको अपने डॉक्टर से पहले जरूर कंसर्न करना है बिफोर स्टार्टिंग दिस डाइट प्लान और दिस फैट लॉस चैलेंज, क्योंकि हर डिजीज कंडीशन का सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट और डाइट प्लान अलग रहता है, वो डिजीज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होता है, वो आपका डॉक्टर ही बेस्ट जानता है। इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है तो आपको अपने डॉक्टर से ही कंसर्न करना है और उनसे ही पूछना है, उनसे परमिशन लेनी है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डाइट प्लान और दिस फैट लॉस चैलेंज का, वो है क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। सबसे पहला रूल, नो चीट मील और चीट डे। 30 डेज के लिए आप बिल्कुल भी चीट नहीं करेंगे, ना मेरे साथ ना खुद के साथ। जो डाइट है वो ही फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस फूड आपको नहीं खाना है, कोई भी जंक फूड आपको नहीं खाना है, कोई भी अनहेल्दी फूड आपको नहीं खाना है, कोई भी चीट आपको नहीं करना है इस डाइट के साथ। सबसे पहला रूल है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हैं तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, आई एम आउट ऑफ दिस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज। सेकेंड रूल, इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज में मैंने आपको पहले बताया दो एक्टिविटीज हम करेंगे। एक हम एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट के घर पे, और दूसरी हम करेंगे पूरे दिन में 30 मिनट की वॉक, जो आप कभी भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरा रूल जो हमें फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, मिनिमम 2.5 लीटर पानी पीना है, और आप इससे ज्यादा कितना भी पी सकते हो, लेकिन 2.5 लीटर जो है वो मिनिमम है जो हमें पीना ही पीना है। रूल नंबर 4, अपनी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो को ब्रेक नहीं करना है। जो टाइम आपने एक बार सेट कर लिया और फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, वो ही 30 दिन के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल, इन 30 डेज के लिए चाहे आप होम कुक्ड फूड खा रहे हो, आपको शुगर को नो नो बोलना है। तो 30 दिन के लिए कोई भी शुगर जो है आप नहीं यूज करेंगे, स्पेसिफिकली आप व्हाइट शुगर यूज नहीं करेंगे। आप शुगर अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा मिनिमल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, इस वेट लॉस चैलेंज के दौरान सबसे पहले हम अपनी पूरी मेजरमेंट्स लेंगे day 1 पे, उसके बाद day 10 पे, day 20 पे, एंड जो लास्ट डे होने वाला है चैलेंज का day 30 पे हम अपनी मेजरमेंट्स लेंगे, जिसमें हम अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे, वो मस्ट है, और दूसरा चेक करेंगे हम वेट। ये दो मस्ट है, इसके अलावा आप चाहते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं अपना हिप सर्कमफ्रेंस, मिडआर्म सर्कमफ्रेंस, लेकिन दो जो है मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस और आपका वेट। और जो लास्ट रूल है इस 30 डेज फैट लॉस चैलेंज का, वो है आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके नीचे मेरा पहला कमेंट जो होगा उसके नीचे आपको लिखना है आप इन चैलेंज हैं या आउट चैलेंज हैं। एग्जांपल, आपने day 1 अच्छे से फॉलो कर लिया है तो आप लिखेंगे day 1 इन चैलेंज। अगर आउट हो चुके हैं day 1 में ही तो आपने लिखना है day 1 आउट चैलेंज। सो क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ फैट लूज करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा ब्यूटीफुल, हेल्दी, स्ट्रांग बनाने के लिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेटेड बनाने के लिए, हार्ड चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए? तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो जो भी इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी है, और नीचे लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और फिर देखते हैं कौन लोग जो है 30 डेज तक मेरे साथ रहते हैं और कितना जो है वेट रिड्यूस करते हैं।
कीप इन माइंड हर किसी की बॉडी अलग है, तो हर किसी की वेट लॉस करने की स्पीड भी अलग होगी। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। 30 दिन तक हमें फिर भी कंसिस्टेंट रहना है। इस फैट लॉस चैलेंज के दौरान हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, 30 दिन हम किसी तरीके से पूरे करेंगे। मेरी तो इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट रहती है, उसमें डाइट वगैरह फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं करूंगी। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। इसलिए टेक दिस चैलेंज राइट नाउ एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस चैलेंज एक्सेप्टेड। मिलते हैं डे वन की वीडियो में, जो कि पोस्ट होने वाली है कल 5 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।